खबर रचना बलिया से, जहां मंदा मोड़ स्थित हनुमान मंदिर के प्रांगण में गुरुवार की रात्रि में एक किन्नर ने सैकड़ों लोगों को भंडारा कराकर गरीब विधवा असहाय महिलाओं को साड़ी वितरित किया। किन्नर समाज सेवा कर समाज में अपना एक अलग पहचान बनाना चाहता है। छितौनी निवासी किन्नर सपना ने महिलाओं को साड़ी वितरित कर कहा कि मैं जो बधाई गाकर जजमान से पैसा लेती हूँ वो पैसा गरीबों में दान करती हूँ, मुझे गरीबों को मदद करने में सुकून मिलता है। इसके पूर्व में भी छितौनी गांव में एक गरीब मुसलमान की लड़की की शादी करा चुकी हूँ। छठ पर्व पर भी गरीब महिलाओं को साड़ी वितरित कर चुकी हूँ। 8 साल से समाज सेवा में लगी हूँ। हर वर्ष एक गरीब लड़की की शादी कराने का लक्ष्य है। इस मौके पर पुष्पा अंजलि रानी, अभिषेक तिवारी, चंचल विवेक सिंह, लखन रंजीत सिंह, रवि कुमार गुड्डू, प्रवीण कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। चाचा चाची बहन जो भी हो, इत्मीनान से आए, भोजन करे, साथ लेकर जाए। माता बहन आए, यहाँ पर ही साड़ी ऑफर रखा हुआ है, भोजन करे, एक साड़ी आइए, यहाँ भंडारे का आयोजन है, खाइए, भोजन कीजिए, इत्मीनान से यहाँ पर ही हर व्यवस्था रखा हुआ है। हमारे सपना जी जो बनाया के सुपरस्टार मालिक, वो अपने हाथ से भी भोजन करा रहे हैं। खुशी खुशी सबका ही इच्छा है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है सपना किन्नर, मैं रसड़ा छितौनी से रहने वाली हूँ। आज ये मंदब मार्ग पे कैसा कार्यक्रम आपके द्वारा किया जा रहा है? किया जा रहा है, मैं जजमान से लेती हूँ और मैं सोचती हूँ कि जजमान का पैसा मैं जजमान में लगा दूँ, और मैं जितना जजमान है उनके बच्चे के लिए मैं दुआ मांगती हूँ। और रह गया सवाल ये कि जजमान की रोजी रोजगार चले और मेरे जजमान अच्छे रहें। यहाँ पे कौन कौन से कार्यक्रम किया जा रहा है? कार्यक्रम किया जा रहा है, भंडारा है, इधर गरीबों को साड़ी बांट रही हूँ। 150-200 होगा। शुरुआत आपने उसको तो बंद कराओ ना, सेवा भाव करने का जज्बा आपको कहाँ से मिला है? मेरे दिल में आया कि मैं ऐसा करूं, मुझे करने में अच्छा लगता है ये सब। पहले कोई और जी, मैं लॉकडाउन में छितौनी में मैं गरीबों को